हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे, और मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश मिश्रा। तो दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग की आज हमारी 16 क्लास होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जो मधुबनी पेंटिंग सीखना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको पिकॉक बनाना सिखाऊंगा। पिकॉक के कुछ डिज़ाइन मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एक छोटा सा राउंड हम बना लेंगे ऊपर, और उसे थोड़ा सा नीचे करके हम दूसरा एक बड़ा राउंड बना लेंगे, चोंच बना लेंगे, जैसे हम चोंच बनाते हैं। चोंच बनाने के बाद गर्दन बना लेंगे, और फिर सिर पे जो कलगी होती है मोर की, वो बना लेते हैं इस तरीके से। फिर पंख निकाल लेते हैं। ये देखिए, दोनों तरफ से मैंने पंख, जैसे कमल की पंखुड़ी होती है उस तरीके से मैंने पंख निकाल लिए हैं। नीचे दो पैर इस तरीके से आप बना लीजिए, देखिए लग रहा है। अब हम इनके पंख बनाएंगे, जो पंख मोर के होते हैं वो हम बना लेंगे। ये गले पे मैंने थोड़ा डिजाइन डाल लिया है। हाँ, तो अब हम पंख बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से लंबी लंबी लाइनें थोड़ी सी ड्रॉ कर लीजिए, गोलाई में हमें करनी है, जिससे मोर का पंख जैसे गोल होता है उसी तरीके से हमें करना है। अब मैं इस पर कलर और नीब से बना के आपको दिखा देता हूँ। नीब से बिल्कुल इसके ऊपर ही आप नीब से ऊपर राउंड बना लीजिए, और नीचे भी हमने बनाया उसी के ऊपर डबल लाइन करके हम ड्रॉ कर लेते हैं। मैं पूरा ये डबल लाइन से ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे फिर बताता हूँ कि हमें आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड, बाकी हमने ड्रॉ कर लिया। आप पंख देखिए हमें कैसे बनाना है। पंख जहाँ पे हमने सिंगल लाइन खींचा है वहीं से हमें उस पर डबल लाइन करेंगे, और ऊपर जैसे मोर का पंख होता है उस हिसाब से देखिए मैं बना रहा हूँ। ऐसे जैसे फूल की पंखुड़ी होती है वैसे भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैं बना रहा हूँ इसी तरीके से आप ऐसे बना लीजिए। जो है गोलाई में बनाएं और उसके ऊपर इस तरीके से बना लें। ये देखिए, डबल लाइन करके हमने सारा बना लिया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद में हम इसमें कलर भर के आपको दिखाएंगे और डिज़ाइन डाल लेता हूँ, जैसे मोर में मुझे जो डिज़ाइन डालना है। ये देखिए, मैंने कर लिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मोर के पंख में जैसे उसके पंख होते हैं उस हिसाब से हम कशनी कर लेते हैं ये पंखों में, और देखिए ये काफ़ी अच्छा लगेगा। ये पूरा कशनी में कर लेता हूँ। इसके बाद मैं कलर बाद में आपको भर के दिखाऊंगा। डिजाइन आपको बता देता हूँ, एक ये राउंड सा ही बना लिया है, और उसमें से जैसे मोर की गर्दन होती है इस तरीके से थोड़ा हम निकालेंगे। किस शेप में मैं बना रहा हूँ आप भी इसी शेप में बनाइए, देखिए कितना अच्छा बन गया है ये। अब उसके बाद मोर के चोंच निकाल देते हैं, ये चोंच बन गया है। और हम फिर उसके सर पे जो कलगी होती है, इसमें कलगी मैं दूसरे स्टाइल से बना रहा हूँ। अब इसमें ये ऊपर थोड़ा पंखों का डिज़ाइन दे देता हूँ मैं। ये देखिए किस तरीके से मैं डिज़ाइन डाल रहा हूँ, और दो पंखों का डिज़ाइन मैंने डाल लिया है। इसके बाद मोर का पीछे का पंख जो है वो मैं इस शेप में बना रहा हूँ, देखिए किस तरीके से। नीचे पैर बना दिए हैं, इसको मैं ब्रश से करके दिखाता हूँ। मैंने नीब से दिखाया था, इसको मैं ब्रश से करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, जैसा ये मैंने बनाया है ऐसे ही ब्रश से मैं पहले डिज़ाइन कर लेता हूँ, और फिर मैं आपको इसमें डिज़ाइन बना के दिखाऊँगा। पंख पे थोड़ा सा मैं डिज़ाइन डाल रहा हूँ कशनी करके। ये देखिए, एक लाइन खींच के बाद में मैंने कशनी कर दिया है, और अच्छा लग रहा है। इसको हम डबल लाइन में कर लेते हैं। ये गर्दन पे हम डिज़ाइन डाल लेते हैं, मोर के गर्दन पे भी डिज़ाइन डाल दें, काफ़ी अच्छा लगता है। पंख में देखिए थोड़ा सा मैं इस तरीके से डाल रहा हूँ, क्योंकि सब में अगर कलर भर दूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। ये पंख में मैंने डिज़ाइन डाल लिया है। इसके बाद मोर का ये जो पूरी बॉडी है इसमें मैं इस तरीके से डिज़ाइन डाल लेता हूँ, बाकी मैं कलर भरूंगा इसमें तो काफ़ी अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ये कर लिया है। मोर के पैरों में भी थोड़ा सा डिज़ाइन डाल लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है जो डिज़ाइन मैं डाल रहा हूँ आप वही डालें, आपको कोई और डिज़ाइन अगर समझ में आ रहा है तो आप वो भी डाल सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड ये देखिए मोर का जो ये पंख होता है इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ और इसमें मैं अलग अलग डिज़ाइन डालूंगा। इसमें मैं कमल का फूल बना रहा हूँ, कमल का फूल काफ़ी अच्छा लगेगा इसमें। तो ये देखिए मैं पहले एक कमल का फूल बना लेता हूँ, इसमें ब्रश की सहायता से बना रहा हूँ। आप भी ब्रश से बना सकते हैं या नीब से भी बना सकते हैं, मैं ये ब्रश से बना रहा हूँ। ये कमल का फूल मैंने बना लिया है इसमें, और ये ऊपर से मैं थोड़ा सा डिज़ाइन कर देता हूँ कमल के फूल में, इसमें मुझे कलर करना है इसलिए। और उसके बाद मोर के पंख जैसे डिज़ाइन होते हैं उस तरीके से मैं डिज़ाइन डाल रहा हूँ इसमें। ये देखिए किस तरीके से मैंने डिज़ाइन डाला है, हाँ ये देखिए इस तरीके से अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। और इसमें मैं मोर के पंख बना लूँगा। ये ऊपर थोड़ा सा और भी डिज़ाइन डाल लेते हैं, ये इस तरीके से कर लेंगे वी शेप में देखिए, और काफ़ी अच्छा इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। इसमें मोर के पंख की तरह मुझे डिज़ाइन बनाना है, तो बीच में मैंने एक और इसमें छोटा सा वी शेप दे दिया है और इसमें कशनी कर रहा हूँ, और इसमें सारे में कशनी मैं कर लूँगा। उसके बाद जो मोर के पंख के बीच में ये मैंने छोटा छोटा जो पंख जैसा बनाया था इसमें भी कशनी कर लेता हूँ। और ये कमल के फूल में भी मैंने कशनी कर लिया। ये देखिए डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। तीसरा डिज़ाइन भी फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैं राउंड शा करके बना रहा हूँ, जैसे हम किसी पेड़ की डाली निकालते हैं उसी तरीके से मैंने बनाया है। और फिर यहाँ दूसरे हिस्से से ये देखिए किस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ, ऐसे निकाल के फिर इसमें से हम पंख निकाल लेते हैं मोर का, दूसरा भी निकाल लेते हैं। कि मैंने मोर के दोनों पंख निकाल लिया, नीचे इसकी पूरी बॉडी बना दी है, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से हम पंख निकालेंगे, इसमें पंख में दूसरे डिज़ाइन से आपको बता रहा हूँ। ये ऊपर से थोड़ा ये पतला रहेगा और नीचे थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, और ये इस तरीके से आप डिज़ाइन दोनों तरफ से बनाइए और बराबर बराबर बनाइए, काफ़ी अच्छा लगेगा ये। फिर हम चोंच बना लेंगे, चोंच भी थोड़ा अलग सा बनाया है मैंने इसमें, और फिर कलगी भी बनाएंगे, कलगी भी थोड़ी अलग डिज़ाइन की मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें डबल लाइन हमें करना है, तो हम आपको डबल लाइन करके फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि आगे हमें क्या करना है। मधुबनी पेंटिंग में ये नहीं है कि हम मोर बनाएंगे तो जैसा सिंपली मोर होता है ऐसा ही बनाएंगे, इसमें हम नए नए डिज़ाइन डाल के बना सकते हैं। आंखें गोल बना सकते हैं या जैसी आंखें होती हैं वैसे बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड ये मैंने पूरे में डबल लाइन कर लिया है। इसके बाद मैं ये मोर के जो पंख है ब्रश से मोर के पंख बना लेता हूँ इसमें, इस तरीके से। उसके बाद इसमें छोटा छोटा ऐसे बना देता हूँ जिससे कि मुझे इसमें कलर भरना है। ये देखिए अब मैं थोड़ा सा नीब से मैं डिज़ाइन डाल लेता हूँ। ये मोर के कलगी में कशनी कर दिया है मैंने, और गले पे भी डिज़ाइन बना लिया है। मैं पंखों पे भी थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेता हूँ, क्योंकि जितना डिज़ाइन होगा उतना ही सुंदर लगेगा, तो अलग अलग डिज़ाइन थोड़े से डाल देते हैं इसमें। ये देखिए ये डिज़ाइन हमारा पंखों में बनके तैयार हो गया है। अब हम मोर के जो नीचे का जो पंख है उसमें हम कशनी कर लेते हैं, क्योंकि मोर के पंख में कशनी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए किस तरीके से मैं कशनी कर रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से कशनी कर लीजिएगा। इसमें हमने पूरा कशनी कर लिया है,
अब देखिए हमारा मोर जो है डिज़ाइन पूरा हो चुका है सब में, अब हम कलर करेंगे। तो मोर में मैं नीला कलर डाल रहा हूँ, ये देखिए नीले कलर से मैं इसकी बॉडी को पूरा भरूंगा। दूसरे मोर में भी जो उसका चेहरा है और पीछे का ये थोड़ा हिस्सा है, इसमें मैंने नीला कलर डाला है, इस बॉडी में मैंने ऑरेंज कलर डाला है। आप कहेंगे कि मोर में ऑरेंज कलर की बॉडी क्यों डाली गई है? देखिए मधुबनी पेंटिंग में कहीं भी आप कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन देखने में वो सुंदर लगना चाहिए। कोई ये नहीं है कि मोर नीला होता है तो हम पूरा नीला ही बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कलर और डिज़ाइन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। रेड कलर से मैंने मोर के चोंच, ऊपर की कलगी और ये कमल का फूल वगैरह, ये सब सारे डिज़ाइन जो है मैंने रेड कलर से मैं भर लेता हूँ। अब फ्रेंड मैं येलो कलर डालूंगा। रेड और येलो आपको पता है काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो मैं इसमें येलो कलर डाल रहा हूँ और येलो कलर से मैं पहले पूरा काम कर लेता हूँ। रेड कलर से इसमें डॉट अगर डाल दूँ तो ये और अच्छा लगेगा, तो मैं रेड कलर से इसमें डॉट डाल देता हूँ। एक पिकॉक हमारा बनके तैयार हो गया, जो दूसरा है उसमें हम कलर भर लेते हैं। इसमें भी पहले रेड कलर से हम भर लेते हैं, रेड कलर से इसके होंठ वगैरह हम सारी चीज़ें बना लेते हैं। और पंख में मैं ऑरेंज कलर भर रहा हूँ, ऑरेंज कलर मुझे अच्छा लग रहा था, ये देखिए। उसके बाद इसके नीचे वाले पंखों में रेड येलो और ग्रीन कलर में डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और ये कलर भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। आप चाहें तो कोई और कलर भी डाल सकते हैं, जो कलर आपको पसंद है। तो फ्रेंड ये दोनों पिकॉक हमारे बनके तैयार हो गए हैं। ऊपर वाला जो पिकॉक है इसमें हमने ब्लैक कलर से बनाया, रेड कलर से ही सारा मैंने भरा हुआ है। तो ये देखिए ये मैंने कैसे तैयार किया है। तो आज मैंने ये तीन आपको पिकॉक के डिज़ाइन बताए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, थैंक यू।